हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड लाइव। इस समय मेरे साथ जो है इनको आप लॉकडाउन के दौरान कई सारी वीडियोस में देख चुके हैं और इन्होंने कई सारे ऐसे कैरेक्टर निभाए हैं और ऐसे ऐसे स्केचेस दिए हैं कि लॉकडाउन जो बोरिंग नजर आ रहा था वो एंटरटेनिंग हो गया है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है सलोनी। थैंक यू राहुल। सो सलोनी, आपका नया शो लाइव हो चुका है सोनी लिव पर एंड पहला एपिसोड आ चुका है। सो मैं उसके बारे में सबसे पहले जानने से पहले ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आप शो में कह रही हैं कि आपने 25 लाख के कैमरे पर शूट किया है जबकि आप 15,000 के फोन पर शूट करती आ रही थी। सो ये 25 लाख के कैमरे पर शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और क्या था कि पहले दिन तो मैं शूट पर गई थी तो मुझे काफी तीन कैमरा थे जो मेरी तरफ पॉइंट थे, तो क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में सिर्फ एक कैमरा मेरे सामने रहता था, उसको मैं ही एडजस्ट करती थी और सब कुछ मैं खुद कर रही होती थी। और वहां हर चीज के लिए अलग एक इंसान है जो कोई कैमरा एडजस्ट कर रहा है, कोई माइक एडजस्ट कर रहा है, और तीन तीन कैमरा आपके सामने हो तो सच में स्टार्टिंग में तो मैं भी नर्वस हो गई थी कि मैं इस साइड देखकर बोलूं या इस साइड देखकर बोलूं। बट फिर वही है कि करते करते वो भी आ जाता है, तो मुझे समझ में आ गया कि एक सेंटेंस यहाँ देखकर बोल दो, एक यहाँ देखकर बोलो, तो वो थोड़ा तो एक्सपीरियंस अलग है, काफी अलग है, मतलब जो मैं करती थी उससे बहुत अलग हो रहा है, पर मुझे मजा आ रहा है। सलोनी, लॉकडाउन में ज्यादातर लोग ये सोच रहे थे कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कब तक रहेगा और घर में क्या करें अभी। बट आपने उस लॉकडाउन का इतना अच्छी तरीके से यूज किया और इतनी प्रोडक्टिव चीज आपने आपके लिए की और लोगों के लिए भी की, लोगों का एंटरटेनमेंट हुआ और आपके करियर को एक नया मोड़ मिला उसकी वजह से। सो ये सारा प्लान था या फिर आप भी सोच रही थी कि अरे मैं क्या करूं और उस वक्त होता चला गया सारी चीज? एक्चुअली मैं ये पहले से जी मैं ये 3 साल से कर रही थी, तो जब लॉकडाउन हुआ तो एक्चुअली मेरे पास काफी ज्यादा टाइम आ गया था। पहले ये था कि वीडियो पहले भी आती थी पर फ्रीक्वेंसी कम होती थी कि 2 हफ्ते में एक वीडियो डाल दी या 1 हफ्ते में एक डाल दी। लेकिन जब लॉकडाउन था तो ना तो मैं कॉलेज जा रही थी, मेरी सारी बुक्स भी मेरे हॉस्टल में रह गई थी, तो पढ़ाई करने के लिए भी कुछ ज्यादा था नहीं, तो बेसिकली वीडियो बनाने के अलावा कुछ और था नहीं। और मैंने सोचा कि जब सब इतने सैड है अभी, क्योंकि सबका ये हो गया था कि लोगों को बाहर जाना है, घर पे मन नहीं लग रहा है, मैं खुद भी बोर हो रही थी घर पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबको एंटरटेन करे डेली बेसिस पर। तो तब वीडियोस की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई और तब लोग देख भी ज्यादा रहे थे, सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे और इवेंचुअली वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो गया। सलोनी, जैसा कि आपने कहा कि आप काफी टाइम से बनाते आ रहे हो और वो वीडियोस लोग देख भी रहे थे, बट लॉकडाउन के वक्त ऐसा हुआ कि उन वीडियोस की देखने की फ्रीक्वेंसी बढ़ी और सोशल मीडिया पे यूजेस बढ़ा। बट अगर एक कॉमेडियन, एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि आप भारत की कॉमेडी जो थी अब तक, उसमें क्या चीज मिस करती आ रही थी, आपको लग रहा था कि ये चीज शायद मिसिंग है, क्योंकि आप जो करती हैं वो बहुत सारे लोग पॉलिटिकल कॉमेंट्री कर रहे थे आपसे पहले, बट आपने उसको एक अलग रंग से पेश किया। सो मैं आपसे ये दोनों क्वेश्चन जानना आंसर चाहता हूँ कि आप क्या चीज मिस कर रही थी जो आपको लग रहा था कि ये मिसिंग है, और अब आप जो करती हैं वो कितना नया आपको अपने आप ही लगता है? मुझे ये लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी जो मैंने बहुत कम की है, मैं कॉलेज में ही परफॉर्म करती थी बस, तो उस हिसाब से तो मुझे नहीं मालूम कि क्या मिस हो रहा था यहाँ पर। बट यही है कि मैंने बहुत कम देखा था कि इंडिया में पॉलिटिकल कॉमेडी बहुत कम करते हैं, तो मुझे लेकिन शुरू से ही पसंद था वो, मैं देखती भी थी ऑनलाइन कोई भी पॉलिटिकल कॉमेडी, या फिर मैं क्योंकि मैं शुरू से ही न्यूज़पेपर पढ़ा और मैं खुद एक पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है, तो वो बचपन से रहा है, तो मुझे काफी मजा आता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पॉलिटिक्स का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मिडिल क्लास के ऊपर और गरीबों के ऊपर ही पड़ता है, तो मैंने सोचा था क्यों ना उनके पर्सपेक्टिव से भी दिखाएं कि किसी भी इशू के ऊपर उनकी क्या राय है। तो मैंने अपनी वीडियो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं भी वही कर रही, जो मेरा एक कैरेक्टर था पिंकी डोगरा, तो वो अपने बारे में ही बात करती थी कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये नहीं हुआ। मैंने सोचा क्यों ना हम, क्योंकि ये तो सब कर रहे हैं, तो मुझे वो नहीं करना था जो सब कर रहे थे, तो मैंने सोचा तो वन अप लेकर जाते हैं। और फिर नज़मा आपी का कैरेक्टर बनाया, जो कि जो भी आसपास चल रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है हमारे देश में, तो क्यों ना उसको एक मिडिल क्लास मॉम के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाए, वो मैंने किया था। सोनी, हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे जो घर वाले होते हैं वो
इंडिया के जो माँ बाप हैं वो राजनीति को लेके बहुत ज्यादा सजग होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, बट ये एक्सपेक्टेशन बहुत कम होता है कि घर का बच्चा कोई उस बातचीत में उस तरह से शामिल हो जितना बड़े लोग शामिल हो रहे हैं। बट आप जब ये पॉलिटिकल कमेंट्री कर रही थी तो आपके घर वालों ने भी देखा होगा वीडियो, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था कि ये कुछ ज्यादा दिमाग यूज कर रहे हैं या फिर ये तो हमने भी नहीं सोचा था कि सलोनी इस तरह से भी हमारे सामने पेश आ सकते हैं। आप उससे पहले घर में इस तरह से बात इन्वॉल्वमेंट था राजनीति की बातों को लेकर? हाँ, हमेशा से रहा है भाई, जैसा मैंने बोला कि मेरे तो उससे पहले वो दो ही चीजें चाहते थे, एक तो आप ब्रेकफास्ट करके जाओ और दूसरा आप हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ो। तो हमेशा से हमारे एक ही न्यूज़पेपर आता था और सुबह सुबह सबके बीच में लड़ाई हो रही थी, पहले हम पढ़ेंगे। मैं सबसे छोटी थी, मुझे एंड में मिलता था, लेकिन जरूरी था कि पढ़ना है। तो उसके बाद वहीं से इंटरेस्ट जागा। मेरे पापा रात को 10 बजे घर आते थे, टीवी पर देखने के लिए कुछ ज्यादा बचता नहीं था, न्यूज ही होती थी उस टाइम पर, न्यूज ठीक थी टीवी पर, तो हम वही देखते थे। और मैं छोटी थी, 10-12 साल की, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था क्या चल रहा है टीवी पर, बट फिर भी मेरे पापा हमेशा पूछते थे कि तुम्हें क्या लगता है क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या समझ आ रहा है। तो वो हमेशा से रहा है, वो पूछते थे, हमारी ओपिनियन उनके लिए मैटर करती थी, हम लोग साथ में चीजें डिस्कस करते थे, उन्हें हो सकता है उनकी काफी चीजों पर वो कुछ अलग बोलते थे, हम कुछ अलग बोलते थे, बट वही है, फिर उस चीज से दोनों साइड की बातें पता चलती हैं, जो कि मेरे वीडियो में भी होता है। मैं कभी भी एक साइड से नहीं बोलती, अगर मैं जोक कर रही तो मैं दोनों चीजों पर करूंगी, जितनी चीजें उसमें इन्वॉल्व है सब पर जोक होगा। तो यही मैं ट्राई करती हूँ। जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, मेरे पेरेंट्स ने उन्हें फनी ही लगा था, उन्होंने कभी ये नहीं बोला था कि अरे तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो और ये वीडियो वगैरह बनाना बंद करो। वो लोग बहुत सपोर्टिव थे इस चीज को लेकर कि फनी कर रही है और कितने अच्छे से जोक्स कर रही है, और वो मतलब ऑब्वियसली सीरियसली भी नहीं लेते थे इस चीज को, उन्हें लगता था बस ऐसे ही फन के लिए कर रही है तो ठीक है करने दो जो करना है ना, क्योंकि अब उस फन की चीज की वजह से आपका एक करियर बन चुका है और आप उसमें बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सो अभी घर वालों का रिस्पॉन्स कैसा है उस चीज को लेके? अभी सीरियस लेते हैं कि अच्छा आप जो कर रहे हो आप थोड़ा और ध्यान से रखना, क्योंकि अभी तक तो यूट्यूब तक था लेकिन अब आपको और आगे बढ़ना है? हाँ, मतलब रखते थे वो लोग, सपोर्ट तो हमेशा से किया है, कभी ये नहीं बोला था कि अरे भाई किसी के बारे में ऐसा मत बोलो, ये मत करो। हालांकि उनको सोशल मीडिया का नंबर अभी भी समझ में नहीं आता है कि फॉलोअर्स वगैरह उनको नहीं समझ में आते, लेकिन हाँ अगर कभी कभी उनको कोई रिलेटिव फोन करके बोल देता है कि अरे हमने सलोनी की वो वीडियो देखी थी, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। कभी वो मेरा इंटरव्यू टीवी पर या न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो वही है कि जब आपका पैशन आपको पे करने लगे, आपको रिस्पेक्ट मिलने लगे उससे, तो सबको अच्छा ही लगता है। तो मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं इस चीज को। सलोनी, कई बार ऐसा होता है कि आप अगर ऐसे चीजों को अपना करियर बनाते हैं तो कोई ना कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो कि आपके मम्मी पापा को थोड़ा सा पिंग करता है कि अरे ये क्या कर रही है। सो ऐसा रिश्तेदार आपके आसपास या कोई था कि जो अंकल आंटी को बोलते थे अरे भाई सलोनी को समझाओ ये करना क्या चाह रही है? हाँ, ये हुआ है, मतलब कुछ तो बोलते थे कि अरे मैं स्टार्टिंग में जब कॉलेज गई थी तो मैंने तभी से स्टार्ट कर दिया था, तो मैं पहली बार अपने शहर से बाहर निकल के दिल्ली गई थी, तो कुछ लोगों का तो यही था कि वाह दिल्ली जाके क्या वीडियो वगैरह बना रही है, पढ़ भी रही है कि नहीं पढ़ रही है। और मैं पढ़ाई में हमेशा से अच्छी हूँ, मतलब मेरा मैथ्स वगैरह खराब रहा है पर बाकी सब्जेक्ट्स जो मुझे पसंद थे उसमें मैं अच्छी थी, तो जो मुझे पढ़ना था मैं वो पढ़ रही थी अपनी मर्जी से। मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाई भी फोर्स नहीं की थी, उन्होंने बोला था जो पढ़ना है वो पढ़ो। तो कुछ लोगों का आया था, कुछ मेरे रिलेटिव्स का कि क्या कर रही है वीडियो वगैरह बनाती है, तो मैंने इग्नोर किया मेरे पेरेंट्स को भी, उनको मालूम था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही, तो उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मुझे भी कभी बोला नहीं कि तुम उनसे बात करो या कुछ करो। वो लोग काफी चिल है, उन्हें वो थ्री इडियट्स वाली बात शायद काफी पहले समझ में आ गई थी, तो मुझे कभी कुछ करने से रोका नहीं था। और अब वो वही है कि अब जब थोड़े फॉलोअर्स मिले और कुछ इंटरव्यूज आने स्टार्ट हुए, अब ये शो मिला है, तो सब लोग चेंज हो जाते हैं टाइम के साथ, तो सारे रिलेटिव्स भी चेंज हो गए। सलोनी, आप जो कॉमेडी करती हैं या जो सटायर बोलती हैं पॉलिटिकल पे, राजनीति पे कॉमेंट्री करती हैं अपने अंदाज में, उसकी वजह से अगर देखें तो आज के टाइम में हमारे देश में दो तरह के हिस्से बढ़ चुके हैं। एक वो होगा जो आपकी बातें पसंद करता होगा, एक वो होगा जो नहीं करेगा। जो कर रहा है वो तो आपकी तारीफ करेगा, लेकिन जो नहीं पसंद करता है वो सोशल मीडिया पे बहुत गंदी तरह से ट्रोलिंग होती है वहां पर और हद से ज्यादा चीजें बोल दी जाती है। So, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके वीडियोस की वजह से आपको वो चीज झेलनी पड़ी और उस टाइम माइंडसेट क्या होता है कि क्या करें उस वक्त अगर ऐसा हुआ है?
ट्विटर पे हुआ है कि ट्विटर पे तो देखो नॉर्मल है, सबको गालियां पड़ती है वहां पे ऐसा भी नहीं है कि लड़की हो तो इसलिए ज्यादा गालियां पड़ रही है, बराबर पड़ती है लड़कों को भी लड़कियों को भी, ये भी है। तो मैं ध्यान नहीं देती इस चीज पर, मतलब कभी कभी तो उल्टा मुझे हंसी आती है पढ़ के, वो कितने क्रिएटिव है के ट्रोल्स, कि किसी भी ठीक चीज में से भी कुछ ना कुछ गलती निकाल लाते हैं कि अरे, और वो कैसे आपके स्टेटमेंट्स को मोल्ड कर देंगे कि नहीं तुमने जो बोला उसका मतलब मैं बताऊंगा। उनका ये भी होता है, तुमने जो सोच के बोला है वो तो गलत है, मैं जो बता रहा हूँ वो ठीक है। तो मुझे तो ये पढ़ के हंसी आती है कभी कभी, अगर उन्होंने कुछ रिप्लाई किया और मेरे को उससे भी थोड़ा विटियर रिप्लाई आता है तो मैं कभी कभी कर देती हूँ कि जीत तो मेरी ही होनी चाहिए, या फिर कभी कभी मैं इग्नोर कर देती हूँ जब मुझे कुछ नहीं लग रहा होता, मैं सोचती हूँ कि जाने देते हैं ये सब कीबोर्ड वॉरियर्स ही होते हैं, उन कभी कभी तो अब तो उनको भी पे करने लग गए लोग, तो सही है उनका भी करियर इसी में बच गया है। सलोनी, आप जो कॉमेडी कर रहे हैं, हम लोग उसको सोशल मीडिया या फिर एप्स जो आ रहे हैं उन पे बहुत ज्यादा देख रहे हैं। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कल को आपको टीवी के लिए कॉमेडी लिखनी है या स्केचेस लिखने हैं, लेकिन हम इंडियन टीवी की बात, टेलीविजन की बात करें, तो वहां पर इस तरह की कॉमेडी होती नहीं है। क्योंकि बहुत टाइम पहले हमने देखा था कि शेखर सुमन जो थे वो इस तरह के शो करते थे, लेकिन उसके बाद जितने भी कॉमेडियंस आए हैं उन्होंने पॉलिटिकल कॉमेडी नहीं करी। और ऐसा माना भी जाता है कि आजकल के जो राजनेता है वो ऐसा जोक अपने ऊपर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं है। तो अगर सलोनी को टीवी में जाना है और मौका मिलता है और उनको बोला जाता है कि आप जो करते हो उसे थोड़ा सा डिफरेंट कर लीजिए, तो सलोनी उस मामले में क्या चूज करेंगे? थोड़ा मतलब थोड़ा डिफरेंट कर लीजिए, डिफरेंट, अगर आपको ये बोला जाए कि आप जो कमेंट्री करती हैं किसी भी पार्टी को लेकर या किसी नेता को लेकर, वो थोड़ा सा ना आप चेंज कर लो, थोड़ा सा वही टीवी वाला कर लो, तो क्या सलोनी उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे या फिर वो जो करती आए हैं वो उसी की तरफ आगे बढ़ेंगे? नहीं देखिए जैसे अभी सोनी ने जब हमें अप्रोच किया था तो उन्होंने ये बोला था, क्योंकि आजकल तो टीवी तो ओटीटी ही है, मतलब हमारी जनरेशन ने तो टीवी देखना ही बंद कर दिया है ऑलमोस्ट, जी हमारे मम्मी जी पापा वगैरह टीवी देखते हैं हम, और उनको मतलब वही है कि उनका जॉनर भी अलग ही है, फिर मम्मी पापा को उनको अलग चीजें समझ में आती है, आज की जनरेशन को अलग चीजें समझ में आती है। तो अगर टीवी स्पेसिफिक कुछ करने को बोला जाएगा कि भाई ये सिर्फ टीवी पे चलेगा, और तो फिर उसमें ये भी देखा जाएगा कि हमारे शो की ऑडियंस कौन है, उसी हिसाब से कंटेंट डिसाइड होगा। अभी हमें जब ओटीटी पे कुछ करने का मौका मिला तो हमें सोनी ने भी यही बोला था कि आप जो करते आए हो वही करो, आपका जो मन करना है वो करो। तो क्योंकि मेरा वो यूएसपी है तो हमने वही रखा और हमने वही उसी को किया, और लोगों को समझ में भी आ रहा है, पसंद भी आ रहा है। हाँ लेकिन अगर टीवी पे कभी कुछ करना होगा तो वो फिर देखना पड़ेगा कि मेरे कंटेंट की ऑडियंस कौन है। अभी मेरी ऑडियंस यंग जनरेशन ज्यादा है और उनको ये सब जी समझ में आता है, इसीलिए तो हम ये रखते हैं।